हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रेयसी एंड यू वाचिंग माय चैनल श्रेयसी टिप्स। फ्रेंड्स, आज एक फेशियल किट लेकर आ गई हूँ आप सबके सामने। फेशियल किट है परफेक्ट फ्रूट फेशियल किट है न्यूट्री ग्लो। तो जिन महिला ने हर महीने में फेशियल करते थे, पार्लर अब तो बंद है, कुछ पार्लर खुल भी गए हैं लॉकडाउन के बाद, मगर अभी तक हम सब पार्लर जाना सेफ नहीं समझते हैं, तो घर में तो कुछ करना पड़ेगा। तो घर में इस फेशियल किट को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल है, 100% नेचुरल है और इसका रुपीज़ भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम रुपीज़ में ही आते हैं और इसका जो बेनिफिट है, जो रिजल्ट है वो अच्छे हैं। तो इसका रिव्यू मैं करके दिखा रही हूँ आप सबको। फ्रेंड्स, इस फेशियल को 6 स्टेप्स में करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर लिखा है 6 स्टेप्स लिखा है यहाँ पर। तो पहले क्लिंजर, पहले क्लीन करना पड़ेगा, फेस को क्लीन करना पड़ेगा, फिर स्क्रब करना पड़ेगा, फिर जेल लगाना पड़ेगा, यहाँ पर जेल है, फिर क्रीम है, फिर पैक है, फिर है एक सीरम है। तो देखिए कैसे कैसे इस तरह सा है, अंदर में इस तरह से है, कितना अच्छा सजा हुआ है। फर्स्ट स्टेप जो है ये है फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर वन। तो स्टेप नंबर वन में है कि डीप क्लिंजर। तो यहाँ पर भी लिखा था डीप क्लिंजर के बाद क्या था। तो पहले डीप क्लीन करना पड़ेगा फेस को, इस क्रीम को लेकर डीप क्लीन करना पड़ेगा फेस को, ऐसे फेस को पहले डीप क्लीन करना पड़ेगा। वेट वेट स्किन पर लेना पड़ेगा, 2-3 मिनट्स के लिए इसको मैसेज करना पड़ेगा, फिर इसको कुछ देर रहने के बाद इसको नॉर्मल वाटर से धो। तो अब जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप है देख सकते हो, सेकेंड स्टेप में है स्क्रबर। तो यह ऐसे है स्क्रबर, देख सकते हैं आप ऐसे स्क्रबर। इसको गीले गीले स्किन पर, हल्के हल्के जो वेट स्किन होते हैं, गीले स्किन पर 5-8 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करना पड़ता है। और स्प्रे करिए, टोनर स्प्रे करिए, टोनर स्प्रे करने के साथ साथ हल्का मसाज करिए 5-8 मिनट तक, हल्के हाथों से ऐसे मैसेज करना पड़ेगा आपको, और टोनर स्प्रे करके करिए इसके साथ। फिर इसको 1-2 मिनट रहने दीजिए और नॉर्मल वाटर से धो डालिए। थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप में ये थर्ड स्टेप जेल, इसमें है जेल, थर्ड स्टेप में है जेल इस तरह। मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए थोड़ी थोड़ी करके सब देखिए कम हो गई है। तो ये इस तरह से है जेल, इसको अप्लाई करना पड़ेगा 8-10 मिनट्स तक, सर्कुलर हाथ से, हल्के हाथों से इसको मैसेज करना पड़ेगा 8-10 मिनट तक, फिर इसको नॉर्मल वाटर से धो डालिए, ऐसे मैसेज करना पड़ेगा हल्के हाथों से। देखिए किस तरह से एक क्लीनिंग भाव, इसको ग्लोइंग भाव आ रही है इस जेल से, बहुत अच्छे से इससे एक ग्लोइंग भाव आ जाते हैं। तो इस तरह से इसको हल्के हाथों से मसाज कीजिए 8-10 मिनट तक, फिर इसको नॉर्मल वाटर से धो डालिए। अब जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में दिखाऊंगी, यहाँ पर है फोर्थ स्टेप, देख सकते हैं आप सब, फोर्थ स्टेप है यहाँ पर। तो फोर्थ स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ये है व्हाइटनिंग क्रीम। आपको स्किन को व्हाइटनिंग देगा, ग्लो ग्लो देगा। तो जेल के बाद, जेल के बाद जो मॉइस्चर स्किन होते हैं, हल्के गीले कर लेंगे, हल्के इससे गीले करना होगा स्किन को, फिर इसको अप्लाई करना है और इसको धीरे धीरे से हल्के हाथों से 12-15 मिनट तक इसको मसाज करना है इस तरह से, इससे ग्लोइंग भाव आ जाएगा, एक व्हाइटनिंग सा ग्लो देगा इससे। तो 12-15 मिनट तक इसको ऐसे मसाज करना है। इसको उतना देर तक मसाज कीजिए जब तक ये पूरे तरह से स्किन पर एब्जॉर्ब होना जाए। स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तब इसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर रहने के बाद इसको नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। चलिए आप लेती हूँ 5 नंबर पैक को, 5 नंबर स्टेप। तो कहाँ है, यहाँ पर है
फाइव नंबर स्टेप देख सकते हैं, फाइव नंबर स्टेप। तो मास्क पैक, ये पैक है, तो इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट इस पैक को लेकर इसको लगाना है और लगा कर इसको छोड़ देना है, छोड़ देना है जब तक के सेमी ड्राई स्किन में, ऐसे सेमी ड्राई से इसको गीले गीले स्किन पर लगा लीजिए। मेरे हाथ अब सूखे हैं इसलिए ठीक से नहीं लग रहे हैं, जब आप इसको गीले हाथ पर या गीले स्किन पर लगाएंगे तब ये अच्छे से लग जाएंगे। और उतने देर तक इसको लगा कर रखिए जब ये अच्छे से हल्के हल्के से ड्राई ना हो जाए, ड्राई हो जाएंगे हल्के हल्के, जब ड्राई हो जाएंगे ये लगा के तब इसको नॉर्मल वाटर से धो लीजिए, इस तरह इस तरह। देखिए अब मैं इसको वाटर से रिमूव कर लिया है, तो हल्के से वाटर से रिमूव कर चुका हूँ। तो अब सिक्स स्टेप में है इस सीरम, सीरम है यहाँ पर, तो इसको दो तीन ड्रॉप ही लगाना है, ज़्यादा नहीं, इसको दो तीन ड्रॉप ही लगाना है और इसको धोना नहीं है, इससे स्किन पर ग्लो आ जाते हैं। तो लास्ट इसको सीरम लगाकर ऐसे छोड़ दीजिए, इस तरह से छोड़ दीजिए, सीरम लगाकर छोड़ दीजिए। सीरम की जो स्मेल है बहुत अच्छी स्मेल है, खुशबू बहुत अच्छे है और एक फीलिंग्स भी अच्छे है, होते हैं इससे, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई कर सकते हैं इस फेशियल किट को, क्योंकि ये 1000 रुपीज़ के अंदर ही आ जाते हैं और भी बहुत नेचुरल प्रोडक्ट है। मैं भी ट्राई करती हूँ, अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो आप घर में ट्राई कर सकते हैं। उसके जो सीरम है, सीरम लगाने के बाद जो ग्लॉसी भाव वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से आ जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल, बाजू में जो बेल आइकन होते हैं वो भी दबा दीजिएगा, जो वीडियो के पहले नोटिफिकेशन होते हैं उसको पाने के लिए। मैं इस फेशियल किट को अमेजोन से परचेस किया हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। मैं मेरी भी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होते हैं इसमें या इसकी जो लिंक है, अमेजोन की लिंक है, वो मैं डाल दूँगी, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बोलना, क्योंकि कोई कमेंट भी, कोई क्वेश्चन भी है आपको तो भी तब भी कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, तो आपकी कमेंट अच्छा लगता है, लाइक देना ज़रूर, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। ओके बाय।